हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज जो है ना, मेरे पास में काफ़ी सारा आलतू फालतू सामान पड़ा हुआ है, तो उसी से जो है आप लोगों के साथ में कुछ DIY शेयर करूंगी, जो कि त्योहारों में आप जो है इससे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से जो है ये मेरे पास में ये जो है ना बोर्ड आता है ना बच्चे लोगों का लिखने वाला, तो उसमें ये छोटा सा बोर्ड था जिससे ना ये ख़राब हो गया था और उसके अंदर से ये निकला हुआ था। तो देखिए, मैंने जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको संभाल के रखी थी। और ये देखिए, एक थैले से हम कुछ बनाएंगे और जो है इस तरीके से जो भी चीज़ें हमारे पास में है, देखिए इस तरीके से कार्डबोर्ड है, इसका भी हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो ये मैंने कट करके रख ली हूँ। कटिंग में फिर ना ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले से कटिंग वगैरह जो है वो करके रख ली हूँ। साथ ही साथ जो है इस तरीके के ये फूड कंटेनर आते हैं ना, तो उसके ये ढक्कन निकले हुए थे इतने सारे, और कंटेनर का भी मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी। तो इस तरीके से जो है इतने सारे जो है ढक्कन इकट्ठे हो गए हैं। और साथ ही साथ मेरे पास में एक पुरानी कुर्ती का एक कपड़ा भी है और कुर्ती भी रखी हुई है जो कि मैं अब नहीं पहनती हूँ, तो इससे हम कुछ बनाएंगे। तो वही सारी चीज़ें जो है आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से जो है DIY हमारा जो है वो तैयार होता है और इसको हम किस तरीके से जो है घर में हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए, देरी नहीं करते हैं, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, इस थैले को हम दो पार्ट में कट करेंगे, और इसको देखिए इस तरीके से कट करना है। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से ले सकते हो, आपके जो है ना दरवाजे के हिसाब से, क्योंकि हम इसकी जो है ना बंधनवार बना रहे हैं दरवाजे के लिए। तो देखिए इस तरीके से जो है इसको दो पार्ट में हमको कट कर लेना है। आप चाहे तो जो बकरम शीट होती है ना उसका भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको जो है ना वॉश करने के हिसाब से, जैसे वॉश कर सकते हैं उस हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि बाहर में इसको मैं हैंग करती हूँ ना, तो फिर धूल वगैरह जो है बहुत आ जाती है। तो इस वजह से जो है इसको मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि मैं इसको जो है ना धो सकूं। और यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ा भी कट कर दूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है क्योंकि थोड़ा सा ना इधर उधर सरक जा रहा था इस वजह से जो है, लेकिन कोई बात नहीं, पीछे का पार्ट है तो ये दिक्कत नहीं जाएगा। यहाँ पर फेविकोल की हेल्प से जो है इसको हम चिपका लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा देरी लगता है फेविकोल से, लेकिन चिपक जाएगा ये। और इस तरीके से एक पट्टी हमारी जो है बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये फ्रंट पार्ट है, और इस पर हम लगाएंगे अब गोटा पट्टी इस तरीके से। और ये थोड़ा सा चौड़ा वाला मैंने ली हूँ, मेरे पास में था ये, तो इसलिए जो है इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जो पतली आती है इसकी गोटा पट्टी वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और अच्छा ही लगता है सुंदर। और आप ना किसी ब्लाउज पीस की मदद से बना सकते हो, या कोई साड़ी हो डिज़ाइन वाली बॉर्डर वाली उसमें भी आप जो है ना इस तरीके की बंधनवार बना सकते हो। बहुत ही प्यारी लगती है, सुंदर लगती है। और ये कुर्ती का कपड़ा था जो कि अब मुझे ना अच्छी नहीं लगती थी, तो इस वजह से जो है इसी का मैंने यूज़ कर ली हूँ। और अभी मैंने क्लीनिंग का काम निकाली ना, तब ये मुझे मिली थी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जिगजैग में सब गोटा पट्टी लगा दी हूँ, और उसके बाद ये पोम-पोम थे मेरे पास वो लगा दी, और साथ ही साथ ये कौड़ी सेल्फ थी इसको मैंने लगा दी हूँ। तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये, और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से जो है ना ये सारी चीज़ें बन करके तैयार हो जाती है। और जब अपने हाथ की चीज़ बन करके तैयार होती है ना तो बड़ी खुशी होती है। तो इसीलिए घर में भी हमें कुछ ना कुछ जरूर बनाना चाहिए त्योहारों के लिए। और चलिए, उसका जो है ना काम अभी आधा है, तब तक हम दूसरा काम भी जो है तैयार कर लेते हैं। तो जो है ना यहाँ पर देखिए, ये मैंने दोनों जो ये कार्डबोर्ड थे उनको मैंने ले ली हूँ, और यहाँ पर ये मेरी दूसरी कुर्ती है। इसके पहले भी मैंने इसका DIY आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, तो इसको भी जो है ना कवर करना है हमको। तो इस तरीके से जो है इसको हम इसमें कपड़ा हम लगा लेंगे, और देखिए ये दोनों जो है वो तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास में ये कलरफुल वाली लेस रखी थी, बड़ी ही सुंदर लगती है ये, और मीटर के हिसाब से जो है ना ये 15 रुपये मीटर लगभग मिलती है। और अगर आप बंडल का बंडल लेते हो ना तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो इस तरीके से जो है ना आप एक
एक खट्टा जो है सामान लेकर के रख सकते हो और जगह जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से जो है मैंने इसको चिपका दी हूँ, और साथ ही साथ जो है मिरर थे तो उनको मैं इस तरीके से लगाते जा रही हूँ पत्ती की शेप में। और इसको भी जो है पूरा कवर कर लेना है हमको, जो किनारी किनारी है, और बीच में जो है ये शुभ लाभ स्टिकर थे मेरे पास वो मैंने यहाँ पर लगा दी हूँ। तो दोनों को एक जैसे ही बनाएंगे, और इस तरीके से जो है देखिए सुई धागे की मदद से जो है हम इसमें जो है ना ये चूड़ी से मैंने बना करके रखी थी, तो देखिए जगह जगह जो है इसका काम आ जाता है। तो इसीलिए जो है ना बेकार चूड़ियों को फेंकिएगा मत, और इस तरीके से बना करके रखिए। और काफ़ी जगह इसका जो है ना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी काम ज़्यादा हो जा रहा है इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, आगे ज़रूर शेयर करूँगी। और ऊपर ना ये बेटी का खिलौना था तो उसको जो है मैंने टांगने के लिए जो है ना वो लगा दी हूँ। और अब जो है देखिए ये कार्डबोर्ड है तो इसको भी जो है कुर्ती के कपड़े से हम इसको कवर करना है। तो देखिए इस तरीके से जो है हम दो यहाँ पर जो है इस तरीके से सर्कल को कवर कर लेंगे, और ये भी फेविबॉन्ड की हेल्प से जो है बहुत आसानी से जो है ना चिपक जाता है। तो देखिए इस तरीके से जो चुन्नट चुन्नट लेकर के इसको चिपका लेना है, तो इससे ना झोल नहीं आता है सामने की तरफ। और यहाँ पर देखिए सारे ढक्कन जो है इनको भी हमको जो है अच्छे से कवर कर लेना है, जो सूट के कपड़े हैं ना उससे कवर कर लेना है। और देखिए ये सारे जो है ना कवर कर लिए, दिखने में तो आपको बहुत कम लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और इसके ऊपर जो है ना यहाँ पर मैं मिरर लगा दे रही हूँ, तो इस तरीके से जो है किसी पैटर्न में लगा दीजिए तो बड़ा ही सुंदर लगता है इस तरीके से। देखिए तो हमको इसमें मिरर लगा लेना है, और इसके बाद जो है इसमें हम लगाएंगे लेस। तो ये मेरे पास में पिंक कलर की लेस थी, और देखिए इस तरीके से जो है इसको जो है लगा लेना चारों तरफ, और इसका जो है ना ये लेस लगने के बाद लुक ही चेंज हो गया, तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था ये। और ग्लू गन की हेल्प से जो है इसको चिपका सकते हैं, तो मैंने एक को जो है बोन से चिपकाई, फेवी बोन से, और उसके बाद में जो है ग्लू गन से चिपकाई, क्योंकि थोड़ा सा ना ये टाइम लेता है क्योंकि सर्कल में है ना तो थोड़ा सा इधर उधर भागता है। और सेम उसी तरह से जो है छोटे वाले हैं ना उनको भी मैंने जो है तैयार करी हूँ। तो देखिए ये जो है इस तरीके से हमको इसको सेट करना है। तो यहाँ पर चार चार ढक्कन थे जिनको इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करी थी, और उसके बाद में जो है इस तरीके से हमको लगा लेना है। तो चार छोटे वाले जो है ना वो तीन ही यूज़ में आएंगे, और एक बच गया था मेरे पास में तो वो जो है कहीं और कभी यूज़ कर लूँगी। और देखिए इस तरीके से जो है इसको हमको सिलते जाना है, तो इस तरीके से जो है ये पूरे हमको जो है बना लेना है। और लास्ट में जो है ना यहाँ पर थोड़ी सी हम लटकन बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें काफ़ी सारे काम आप कर सकते हो लेकिन वो ज़्यादा ही ओवर हो जाता है, और ओवर चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए जो है इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल ही छोड़ दी हूँ। और इस तरीके से देखिए ये जो चूड़ी वाला जो हैंगिंग है ना ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दी हूँ, और जो घंटी वगैरह है वो लगा देंगे तो इसका जो है ना पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा था ये जब बन गया उसके बाद में, तो आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए थर्ड DIY, तो इसको जो है ना इस तरीके से हम जो गोटा पट्टी है इस तरीके से चिपका देना। एक्चुअली इसको मैं बनाने वाली कुछ और थी, और जब बनाने बैठी ना तो माइंड में कुछ और आ गया और कुछ और ही मैंने बना दी। तो देखिए इस तरीके से जो है गोटा पट्टी को हमको लगाते जाना है, और ये देखिए बर्फी शेप में जो है इस तरीके से लगाएंगे, और देखिए इस तरीके से पूरा हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद में ये मेरे पास में ना मोती वाली लेस रखी थी तो इसको मैं पीछे से लगाऊंगी, क्योंकि इसकी जो पट्टी है ना वो अच्छी नहीं दिखती अगर सामने से लगाएंगे, तो इसलिए जो है इसको पीछे से लगाएंगे, बस जो है ना मोती हमको सामने से नज़र आए। तो देखिए इस तरीके से जो इसको लगा लेना है, और जो है देखिए इस तरीके से बन गया ये। और अब सामने जो है थोड़ा थोड़ा मिरर लगा लेंगे सर्कल में, और पूरा इसको कवर कर लेना। सबसे अच्छा मेरे को मिरर जो है ना वो सर्कल लगते हैं, कहीं पर भी जो है फिट बैठ जाते हैं। तो देखिए पॉम पॉम रखे थे इसको मैंने बीच में लगा दी इस तरीके से, बड़े ही प्यारे लग रहे सच में, ये बनने के बाद में जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से जो है ना नीचे लटकन लगा दी मैंने, घंटी लगा दी हूँ, बड़ी प्यारी लग रही तीन तीन। और अगर आपको हैंग करना है ना तो
कुछ नहीं है आपके पास, तो जो बैंड होती है ना रबड़ बैंड, उसको आपको जो है ना सिल लेना है, मोटी वाली जो होती है उसको आपको पीछे सिल लेना है। और हैंग करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, मैंने करी लेकिन पता नहीं वीडियो शूट नहीं हो पाया, वो दिख नहीं पाया आप लोगों को, तो जो है ना हैंग करने के लिए सबसे अच्छा वही ऑप्शन है। अब ये लास्ट DIY है, तो देखिए इसमें भी मैंने लेस लगा दी, और ये मेरे पास में ना गणपति रखे हुए थे, मेरी शादी के फ्रेम में आया हुआ था ये, तो वो टूट गया था, तो ये देखिए उसमें से बच गया था, तो वो मैंने रख थी। और ये देखिए यहाँ पर बस मिरर लगा देंगे, और इसमें भी सेम हम लटकन वगैरह लगा करके ये भी हमारा जो है एक DIY तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वेस्ट चीज़ों से जो है काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनकर के तैयार हो गई है, और चलिए दिखाती हूँ एक एक करके आप लोगों को। तो ये है सबसे पहले बंधनवार, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखिए इस तरीके से। और हैंग करने के लिए ना यहाँ पर कुछ आप लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैंने खीला लगा करके रखी हूँ, तो उस पर हैंग आसानी से हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लगाई हूँ। और इस तरीके से देखिए बहुत ही प्यारा जो है ढक्कन और जो थैला, ये सब चीज़ों से जो है बहुत ही प्यारा ये बनकर के तैयार हुआ है इस तरीके से देखिए। सेकेंड ये शुभ लाभ मैंने बनाई हूँ इस तरीके से, ये शुभ और लाभ दोनों एक जैसे, और इसको आप दरवाजे के दोनों साइड जो है हैंग कर सकते हो या आप भगवान जी के पास में, लेकिन उसके लिए आपको नए कपड़े यूज़ करना पड़ेगा। मैंने पुरानी कुर्ती का यूज़ करी हूँ, तो इसीलिए जो है इसको मैं कहीं दूसरी जगह ही इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारा जो है बन करके तैयार हुआ है, और इसकी जो लटकन है ना बड़ी प्यारी लग रही है इस तरीके से, तो बड़ा सुंदर लग रहा है ये इस तरीके से, और दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप बना सकते हो और अपने घर को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डेकोरेट कर सकते हो। एंड देखिए ये गणपति, और ये भी जो है ना मैं मेन एंट्रेंस पे हैंग करूंगी, क्योंकि गणपति जो है मेन एंट्रेंस पे हैंग करना अच्छा है, आते जाते आपके दर्शन होते रहे, तो इसलिए जो है देखिए इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर। और पिछले साल का मेरा जो है ना अभी भी हैंग हुआ रखा है, तो वो बहुत प्यारा लगता है रेड कलर में, और वीडियोज़ में ज़रूरी देखते होंगे आप। तो देखिए इस तरीके से जो है ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा, और कलर पता नहीं इसमें कैसे दिख रहा है, लेकिन ये एकदम ना मेजेंडा पिंक है एकदम डार्क में, और इस तरीके से पूरा कांच लगा दी हूँ, तो ये बहुत निखर करके आ रहा है इस तरीके से देखिए। और एक और दिखाती हूँ, एंड देखिए ये लास्ट, इसको भी आप वॉल पर हैंग करोगे बहुत प्यारा लगेगा, और दोनों को अगर साथ में हैंग कर देंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर दोनों को साथ में हैंग करते हैं तो इस तरीके से और अच्छा लगेगा। और इस तरीके के जो है ना आप ढेर सारे सेट बना सकते हो और एक साथ लगाओगे तो वो और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय बाय।